हैं वो डिसिप्लिन से कहीं ज़्यादा वो डी फॉर डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं। इतने छोटे छोटे हम बच्चों को देख रहे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं जी हमें फलाना गैजेट चाहिए क्योंकि हमें एंग्जाइटी हो रही है, हमें एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं। सो आमना अगर मैं अपना बचपन देखूँ, अगर अपना बचपन भी देखें तो हमें ऐसे ना एंग्जाइटी अटैक्स होते थे ना वो हमें समथिंग ऐसे डिप्रेशन होती थी। आज के टाइम में ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि हमारा बच्चा कह रहा है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रही है? देखिए हमारे टाइम पे भी शायद ये सब होता था, हमें अल्फाज नहीं पता था, हमें पता नहीं था, हमें स्कूल्स में ये जुमले इस्तेमाल ही नहीं होते थे। ठीक है, आज के बच्चे ज़्यादा ये जुमले इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट दैट आई एम इन फेवर ऑफ इट, बच्चों को थोड़ा देख के जुमले इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं जी, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सबको पता है, स्कूल्स में बहुत आसानी से बोलते हैं, घरों में लोग बहुत आसानी से बोलते हैं उसको OCD है, ये डिप्रेस्ड हो गया, इसको एंग्जाइटी है, तो बच्चे तो वो लैंग्वेज पिक कर लेते हैं जो हम बोलते हैं। तो क्योंकि हमारी लैंग्वेज मेंटल हेल्थ के हिसाब से एडवांस हो गई है, तो बच्चों की लैंग्वेज भी मेंटल हेल्थ के हिसाब से एडवांस हो गई है। लैंग्वेज पिक कर रहे थे, हमारे इमोशंस भी पिक करते हैं। बिल्कुल इमोशंस पिक कर रहे होते हैं, बिल्कुल पिक कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है लैंग्वेज से तो बहुत ज्यादा इमोशंस पिक कर रहे होते हैं। बच्चों की कॉन्वर्जेशन बहुत नॉन वर्बल होती है, विच इज 70-80% वो आपके नॉन वर्बल से पिक कर रहे होते हैं, आपके इमोशन से पिक कर रहे होते हैं। कितनी ज्यादा दफा पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं हम इनके सामने कोई बात नहीं कर सकते। बात ये नहीं है कि आप उनके सामने बात करते हैं कि नहीं, बात ये आपकी फीलिंग्स, आप किस तरह महसूस कर रहे हैं, आप अगर खामोशी से भी बैठे हैं आपके अंदर क्या चल रहा है, बच्चे वो एनर्जी पिक करते हैं। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं तो बच्चों के सामने नहीं लड़ रहे थे, यार हमने उनके सामने तो कुछ नहीं किया, नहीं, वो एनर्जी पिक करते हैं कि आप तो एक दूसरे के साथ हैं कैसे, कैसे बात कर रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल आल्सो। और ये बाकी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं ये बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं, और हमें खुद अंदाजा होता है ना, कुछ लोगों की एनर्जी से हम एकदम पुट ऑफ हो जाते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी से हम अच्छा फील करने लग जाते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी से हम ड्रेन हो जाते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी से हम एकदम चार्ज अप हो जाते हैं। अच्छा, आप कौन सी ऐसी जो 5 जो है चीजें बच्चों की, अगर हम नफ्सियात के हवाले से बात करें तो ऐसी कौन सी 5 चीजें आज आप स्पेसिफिकली बताएंगी? मुझे लगता है लर्निंग डिसेबिलिटीज हमारे बच्चों में बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स के भी कंसर्न्स बढ़ गए, जिसका एक बहुत सॉलिड रीज़न है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। बच्चों के पास भी मुझे लगता है सेल्फ लव की डेफिनेशन डिफरेंट हो गई है, उनको पता भी नहीं है, सिखाते भी नहीं है, और फिर वही वो बच्चे होते हैं जब हम अडल्ट बन जाते हैं तो हम इनसिक्योरिटीज़ के साथ होते हैं हर जगह पर। अग्रेशन का इशू भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, और मुझे लगता है कनेक्शन, बच्चे दोस्त नहीं बना पाते, कनेक्शन होना चाहिए उनके पास, ये इतनी अच्छी उम्र होती है कि आप लोगों को जाने, दोस्त बनाए, वो रिश्ते एक्सपीरियंस करें, मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादा आइसोलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आजकल ना लोग वाकई शिकायत करते हैं कि भाई हमारा बच्चा ट्यूशन पे जाता है, स्कूल पे जाता है, अगर हम कहीं उस बच्चे को लेके भी जाते हैं हमारा बच्चा दोस्त नहीं बना पाता, उसका कोई दोस्त नहीं है। तो माँ बाप ना बड़ा कंसर्न होते हैं सवाल से कि ऐसा ना हो कि बच्चे की आइसोलेशन की आदत बच्चे को आगे जिंदगी में बिल्कुल तन्हाई छोड़ दे। तो ऐसी क्या चीज है कि जो कि बच्चा फील कर रहा है और बच्चा बाकियों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा? बहुत सबसे पहले इसलिए शुरू होना चाह रही हूँ कि ये बड़ा एक अहम इशू है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर इसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारी जनरल आइसोलेशन भी है। फॉर एग्जांपल जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं या हम फैमिली जॉइंट फैमिलीज में भी रह रहे हैं, हम घरों के अंदर रहते हैं, हमारे पास नहीं, हमें गर्मी बहुत लग रही है, हम बच्चों को लेकर बाहर नहीं जाते। ये मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, जब बच्चे छोटे हैं आप लोग रूटीन बना लें, वॉक पे ले जाएं, बच्चों को यूज़ टू करें एनवायरमेंट के, लोगों के, ताकि जब वो उस एनवायरमेंट में आए स्कूल की तरफ से या किसी तरफ से वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो। आपने उनको 3-4 साल घरों के अंदर ही रखा हुआ है, इधर उधर या लेके जाते हैं, मैक्सिमम हम फैंसी डिनर्स पे ले जाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, जब वो वाकई ग्राउंड में आते हैं ना तो उनको होता है कि अच्छा हमने क्या करना है, यूज टू नहीं होते, पहली बात ये। तो मुझे लगता है तो शुरू से उनकी डेवलपमेंट के अंदर आपको उनको बाहर लेके जाना चाहिए, उनके साथ एक्टिविटी करें, पहला स्टेप हमेशा आप ही होंगे, उसके बाद दूसरे होंगे। फिर मुझे लगता है स्कूल्स में भी बहुत सारे ऐसे कंसर्न हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुलिंग आता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों का वेट का कंसर्न है, कलर का कंसर्न है, जो कि वो ऑलरेडी सोच हाइट आ जाती है, दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। देखिए ये भी, वो भी बच्चे होते हैं, ये भी बच्चे होते हैं, लेकिन फिर ये तरबियत पे, स्कूल के रूल्स पे, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है कि आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है दे आर ब्लेस्ड, मतलब मुझे अपने बचपन में, मतलब हमें नहीं पता था कि अपनी किसी मोटी दोस्त को मोटी कह के छेड़ना इज़ अ बुरी बात है, ये बुलिंग में कंसिडर होती है, और सिर्फ तो हम ये भी कहते थे, और नाम ही ना उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस उस पर रखा होता था कि जी काला, मोटा, लंबा, छोटी। तो लेकिन आजकल के बच्चे वो इतनी छोटी सी उम्र में भी दे नो इट कि ये गलत अल्फाज हैं, ये और हमें पता होना चाहिए ना, मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। हमें नहीं पता, ना ही हमारे बच्चों को पता है, ना ही हमारे अडल्ट को पता है कि आपने कौन सी लाइन रखनी है जिसमें आप मजाक कर रहे हैं और कहाँ पर अब आप उसको शेम कर रहे हैं। और जब शेम हो जाएगी तो बच्चे तो फिर अपने आप को कॉर्नर करना शुरू कर देते हैं, उनको होता है मैंने
बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, ये वो वजह होती है कि आप आइसोलेशन में आते हैं. आइसोलेशन में आते हैं तो आप फिर ही कनेक्ट ही नहीं कर पाते. आपको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं. अगर कोई मुझे मोटा बोल रहा है, मेरी क्लास में कोई और नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊँ, मैं किससे पार्टनरशिप करूँ, मैं किससे बात करूँ. ये वो छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको लोगों से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम कर देती है. बात है, यहाँ पे माँ बाप का किरदार आ जाता है कि माँ बाप ने सिखाना है कि ये बैड वर्ड्स हैं, और मोटा होना, छोटा होना, या डार्क होना, और मतलब हम तो हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे जज ना करना लोगों को. एग्जैक्टली, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे किसी को जज नहीं करना चाहिए. अगर हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन की, तो ये तो हमारे खेते का कलर यही है, और ये सबसे खूबसूरत ये कलर भी है. अच्छा, मैं थोड़ा एग्जाइटी के हवाले से बात जरूर करना चाहूँगी. बच्चे जो हैं वो एग्जाइटी के आजकल पेशेंट हैं, क्या वजह है इसमें? जैसे भी बात की, हारिस ने बात की कि जो बच्चों के जो स्क्रीन टाइम है, क्या स्क्रीन टाइम का उसमें बहुत लेन देन है, या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं? मैं आमना से जानूंगी, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं. और एक और चीज़, ये जो बच्चे बार बार पेट में दर्द की शिकायत करते हैं ना, इसको मजाक ना समझा करें, इसके पीछे भी एंग्जाइटी का बहुत बड़ा किरदार है. छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं सुबह का समा मदीहा के साथ, और आज मदीहा आपसे ये बात करी कि ऐसी कौन सी पांच चीज़ें हैं जिसमें आपने अपने बच्चे की फिज़िकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, बच्चे के खाने पीने का, बच्चे को खाने में क्या चीज़ें देनी है, न्यूट्रिशन हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. हमने आपको एक्टिविटीज़ तो करके दिखा दी हैं, एक्सरसाइज भी करके बता दी हैं. अब ये आप, ये जो आप मुझे देख रही हैं ना जी, आप माओ का ये काम है, और सिर्फ माओ को नहीं है, मतलब जो अब्बा है वो क्यों बड़ी जिम्मा हो जाए. आप लोगों ने भी इस बात को इंश्योर करना है कि आप अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे, और आप लोग खुद टाइम निकालेंगे कि आपका बच्चा चाहे 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, अभी हारिस ने इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार एक्सरसाइज बताई हैं, आप अपने बच्चों को करवाएंगे. अच्छा, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पीट स्पेशलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ भी. हम बच्चे के फिजिकल हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे, और क्या क्या केयर ज़रूरी है उस टाइम से जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, और उसके बाद फिर जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. डॉक्टर आमना अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बच्चे की नफ्सियाती हेल्थ के वाले से बात कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आतिफ, एंड वेलकम टू सुपर. बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और इतना प्यारा प्रोग्राम आपने आज रखा हुआ है, जो देख के जो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, जो जो लोग आपने बुलाए हैं, और ये जो आजकल नीड है, जो आज जो लोग पेरेंट्स देख रहे हैं आपके प्रोग्राम, ट्रस्ट मी, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा. बिल्कुल, और ये बहुत ज़रा ज़रूरी भी है, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को समझ आना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि हमने बच्चे का बस अच्छी खुराक का अच्छा ख्याल रखना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हमने ख्याल रखना है. जैसे हम बच्चों के नफ्सियाती इशू के हवाले से बात भी कर रहे थे. अच्छा, एंग्जाइटी ये बच्चों में क्यों है, क्या वजह है एंग्जाइटी की? और जो बच्चा बार बार जब शिकायत करता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो माएँ समझती हैं कि बच्चा शायद कोई बहाना बना रहा है. तो ये बच्चा आपको बता रहा होता है कि इसके साथ वाकई प्रॉब्लम है. एक हद तक एंग्जाइटी नॉर्मल होती है, वो होनी भी चाहिए, वो हम सबके पास होती है. ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है. जैसे कि हम डेप्थ को देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना. तो एंग्जाइटी प्रॉब्लम नहीं होती. एक्सेसिव एंग्जाइटी जो कि सिम्टम्स में आना शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बच्चा कंप्लेन करना शुरू कर रहा है, रोज़ सुबह उठता है बुखार हो जाता है, रोज़ सुबह उठता है पेट में दर्द हो रहा है, या वो रो रहा है, और अगर वो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, बोलते हैं कि नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है. ठीक है, अगर वो नाटक भी कर रहा है और ड्रामा भी कर रहा है, तो आपको रीज़न पूछना चाहिए कि वो नाटक और ड्रामा क्यों कर रहा है. क्या रीज़न है कि उसको स्कूल जाना ही नहीं है? ये उम्र होती है, बच्चे तो बहुत लुक फॉरवर्ड भी करते हैं, उठ जाए एक दफा नींद से तो वो लुक फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों के पास जाना, अपने टीचर से मिलना. अगर वो ये रेपिटेटिवली दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो घर के एनवायरनमेंट में कोई मसला है उनको, अदर देन आप दोनों हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हम तो हर चीज का ख्याल रख रहे हैं, या फिर उनके स्कूल के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है. और लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, बहुत सारे बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर्स होते हैं. और आई थिंक लर्निंग डिसेबिलिटी तो बहुत ज्यादा कॉमन भी है, और अब तो ज्यादा हो गई हमारे गैजेट्स की वजह से. हम देखते हैं ADHD के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ADD के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए. जिसका मतलब एक्सप्लेन भी कीजिएगा. ADHD होता है जब आप अटेंशन आपका कम हो जाता है, और आप बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और ADD होता है जब आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है. इसका मतलब बच्चा 10 मिनट बैठ के एक बुक रीड नहीं कर सकता, वो 10 मिनट बैठ के 5 मिनट बैठ के काम ही नहीं कर सकता.
सकता है। बच्चे इसका टिक्के नहीं बैठते और ऐसा है कि आप बच्चे से कहो बेटा ये काम कर दो, उसकी कोशिश होगी बस दो मिनट में क्या और बस निकलो यहाँ से। यस ऐसा ही है, और इसका रीजन हमारे फोन्स हैं क्योंकि हम इतना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, इतना ज्यादा हमारा स्पैन उसमें एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, कि हम फोकस ही नहीं कर पाते। तो ये वाले कंसर्न्स होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी भी कॉज करती है एंशियसनेस, क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं होती। आपकी पुअर मेमोरी है, आपसे याद नहीं हो रहा, उस पर शेम अटैच है, आपके रिजल्ट्स में 0-0-0 मार्क्स आ रहे हैं, टीचर्स नहीं फिगर आउट कर सकते कि स्कूल में क्या हो रहा है। इसकी ये सब वजूहत होती है कि बच्चे अकेला महसूस करने लगते हैं, शर्म महसूस करने लगते हैं, तो वो स्कूल को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और बच्चे वाकई कुछ चीज़ नहीं पढ़ पा रहा, तो अब तो शुक्र है कुछ फिल्म्स भी ऐसी आ गई कि लोगों को पता चला कि हाँ भाई ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, आपका बच्चा नालायक नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, जेन्युइनली वो नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं।